तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ है यामा FGS वर्जन 4। ये नया वाला बोरन वेरिएंट है DS6 फेज 2। इसका फुल डिटेल रिव्यू देंगे चैनल पे आज हम, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके टायर साइज से। तो 100 सेक्शन के टायर दिए हुए हैं इसके अंदर, 17 इंची के अलावे हैं फ्रंट और रियर में। काफ़ी गोल्डन कलर के सही लग रहे हैं देखने में। और हेडलाइट की बात की जाए तो ये रहा इसका DRL और ये इसका LED हेडलाइट और ये रहा इसका LED इंडिकेटर्स या नंबर प्लेट लगाने की जगह। ये यामाहा का लोगो। और इसमें यहाँ नीचे की बात की जाए तो ये इसका इंजन गार्ड, ये रहा ऑक्सीजन सेंसर, ये कैथलेटिक कन्वर्टर है, ये फाइबर का ही है, हार्ड फाइबर का ही है। और ये रहा इसका 150 cc का इंजन। पावर्स वगैरह सारा कुछ मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूँगा, वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। ये FGS की ब्रांडिंग, ये वर्जन 4 की ब्रांडिंग, ये काफ़ी क्रोम फिनिश में दिया हुआ है वेंट्स वाला से है। और ये इसका टैंक, बेसिकली इसका टैंक अंदर में ये इसका फाइबर का ही कवर है। और इसके हैंडल की बात की जाए तो इसमें सिंगल पाइप हैंडल है, ये इसका किल स्विच और नीचे सेल्फ है। और यहाँ इसका हाई बीम लो बीम पास, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, ऑन का स्विच। और ये जो मीटर है ये MT का मीटर है, इन्होंने इसमें इंस्टॉल करवा दिया। और यहाँ से आप जो है ये आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं फ़ोन से, जैसे कि आप MT में और यामा में करते थे और R5 में। और यहाँ नीचे बात की जाए तो ये है इसका रियर ब्रेक और यहाँ इसमें डुअल स्टैंड का दिया जाता है फीचर। और ये इसका एग्जॉस्ट में कवर नहीं लगा हुआ है। और ये है इसका रियर का फुट पैक्स, डुअल डिस है इसके अंदर। और ये रहा बाइब्री के कैलिपर इसमें लगे हुए हैं, 140 सेक्शन का टायर है पीछे में C8 ब्रांड का और 17 इंची के हैं गोल्डन कलर के, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये है इसका टायर हगर जो अंदर में इसमें मेटल है और ऊपर से फाइबर का कवर लगा हुआ है। और ये इसका ओपन चेन ड्राइव सिस्टम। और ये रहा इसका LED टेल लैम्प और ये इसका LED इंडिकेटर्स, ये इसका रिफ्लेक्टर या नंबर प्लेट लगाने की जगह। और ये इसका ग्रैब रेल है और सिंगल सीट है, काफ़ी इसमें मतलब लंबे चौड़े सीट्स हैं, लॉन्ग राइड पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना ज़्यादा कंफर्ट अच्छा लग रहा है। और ये है इसका गियर लीवर, 5 गियर है इसके अंदर। पैटर्न की बात की जाए तो 1 साइड डाउन 4 साइड अप पैटर्न का आता है इसके अंदर। और यहाँ इसका ये इसका थोड़ा सा वाइजर स्टैंड है, यहाँ से ये इंजन को अच्छा खासा प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर इसमें जो है गार्ड इंस्टॉल हो जाएगा, जो इंजन गार्ड आता है वो। और शॉकर की बात की जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में दिए गए हैं। और रियर के सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें ये मोनोशॉक है जिसे आप 5 ईयर एडजस्ट कर सकते हैं और डुअल चैनल इसके अंदर है। और तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।